हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एनपीआर और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, उनके बीच में सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं। तो जैसा दोस्तों आपको पता है कि हमारे दिमाग में मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, उसी प्रकार जो भी हम अपने पास कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, उनके में भी आप देखोगे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या होता है ना कि सिलिकॉन से बने होते हैं जो कि सैंड्स वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनका ट्रांजिस्टर का एक्चुअली पर्पज़ क्या है, इतना रोबोटिक्स में यूज क्यों किया जाता है, तो इनके बारे में बात करेंगे। तो ट्रांजिस्टर के बेसिकली ये हमारे तीन महारथी इन्वेंटर हैं जिन्होंने ट्रांजिस्टर का खोज किया है। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे, ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है और क्या एप्लीकेशन है और इनके बीच में डिफरेंसेस कैसे होता है जब एन पी एन पी एन बी ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली ट्रांजिस्टर क्या होता है कि हम इसको दो वे में वर्क कराते हैं। पहला तो आप एम्पलीफायर की तरह यूज करते हो, दूसरा आप स्विच की तरह यूज करते हो। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ एम्पलीफायर की तरह, तो हम बेस करंट पे साइनसॉइडल स्मॉल करंट देते हैं और हमें आउटपुट में एम्पलीफाई होकर करंट बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब ये एम्पलीफायर की तरह काम भी कैसे करता है, जैसे हम अपने ईयरफोन वगैरह यूज करते हैं, ईयरबड्स वगैरह यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि माइक्रोफोन लगा रहता है जो कि आपकी आवाज़ को एम्पलीफाई करके वो आपको हाई एम्पलीट्यूड में एम्पलीफाई करके आपको भेजता था कि आपको आवाज़ वो ज़्यादा सुनाई देती है, जिससे लाउड स्पीकर वगैरह हो जाते हैं, उन केस में एम्पलीफायर यूज होता है जो कि सिग्नल काफ़ी अच्छा, फिर आवाज़ काफ़ी तेज़ी से सुनाई देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया बेसिकली एम्पलीफायर की तरह काम करता है जो भी हम ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर में यूज करते हैं एक्टिव रीजन में। अब मैं बात करता हूँ ट्रांजिस्टर का स्विच की तरह, जब आप बेस पे स्मॉल करंट ऑफ अमाउंट अप्लाई करते हो ना, तो वो कलेक्टर टू मीटर हमें हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने को देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये बेसिकली होता कैसे है पूरी डिटेलिंग मैंने बात कर रखी है, और आगे आने वाले सिमुलेशन में आपको डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जो हमारे मेमोरीज में होता है मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं। ठीक है, जब आप इसकी स्विचिंग की तरह यूज कराते हैं तो ये डेटा जो होता है मेमोरी स्टोर करता है वन और जीरो के फॉर्म में। ठीक है, अगर आपका स्विच ऑन है तो वन के फॉर्म में डेटा स्टोर हो जाएगा, और अगर ऑफ है तो जीरो फॉर्म में। ऐसे आपके पास नंबर्स आप देख सकते हो, ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं, तो वो स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ कि एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर में सिमिलरिटीज़ क्या है, क्योंकि डिफरेंस भी जानना जरूरी है और सिमिलरिटीज़ भी जानना जरूरी है। तो मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे सिमिलरिटीज़ क्या है। ठीक है, तो दोनों जो होते हैं ना एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहे जाते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना, ये करंट कंट्रोल्ड डिवाइस होते हैं। ठीक है, मैं आगे सिमुलेशन में आपको दिखाऊंगा कि करंट कंट्रोल डिवाइस ये कैसे हैं। ठीक है, आगे आने वाले सिमुलेशन करके दिखाऊंगा उसमें कैसे काम करता। तो बेसिकली क्या होता है, आप देख सकते हो एनपीएन पहले वाले में लगा, दूसरे वाले में पीएनपी लगा, तो करंट की डायरेक्शन जो है बेस में करंट जाता है और वहाँ से मीटर के थ्रू करंट कलेक्टर से पास होते हुए चला जाता है। वही पीएनपी में क्या होता है, बेस से करंट बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये दोनों का हम एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग में यूज करते हैं। ठीक, इतनी सिमिलरिटीज इनके बीच में, ठीक, कि दोनों का स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन में यूज किया जाता है, बाकी दोनों फंक्शनैलिटीज़ में सेम होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, मतलब क्यों कैसे अलग है। ठीक है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि कलेक्टर पे हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बेस पे भी पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, और करंट की जो डायरेक्शन होती है वो कलेक्टर टू इमीटर होती है। पीएनपी के केस में क्या होता है कि इमीटर पे हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बेस पे निगेटिव, मतलब ग्राउंड करते हैं तो निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन इमीटर टू कलेक्टर होती है और बेस से करंट बाहर निकलता है। अब मैं बात करता हूँ एनपीएन में जो करंट की डायरेक्शन है बेस पे, आप देख सकते हो बेस में जाती है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज मैंने अप्लाई कर रखा है, तो ये चीज़ होता है आपको एनपीएन के ट्रांजिस्टर में। पीएनपी ट्रांजिस्टर के केस में क्या है कि करंट जो है ना वो आपको बेस से बाहर निकलते हुए दिखेगी। ठीक है, और इमीटर से करंट अंदर आती है और ये निगेटिव वोल्टेज पे रहता है, ताकि करंट की जो डायरेक्शन है वो इमीटर टू बेस वोल्टेज बनी रहे। जितना ज़्यादा निगेटिव वोल्टेज रहेगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक, ये बेस वोल्टेज है, मिनिमम 0.7 का डिफरेंस होना चाहिए इमीटर पे। मान लो अगर मीटर पे 2 वोल्ट दे रहे हो तो आपको बेस वोल्टेज 1.3 से कम ही रखना पड़ेगा, ताकि 0.7 से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप रहे, तभी करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में, करंट की डायरेक्शन के बारे में डिटेलिंग मैंने कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे जैसे आप बायसिंग करंट को कम करते हो ना, बेस की वोल्टेज को आप कम करते हो, करंट की कम करते हो, तो कलेक्टर का जो करंट है ना फ्लो वो कम हो जाता है। ठीक, मैं आपको अभी सिमुलेट करके दिखाता हूँ। थ्योरेटिकली तो चलो ठीक है, थियोरेटिकली सारी चीज़ समझ में आ गई। आप
जैसे एनपीएन के केस में बात करोगे तो यहाँ पे करंट आप पॉजिटिव बोल सकते हो, पीएनपी के केस में बात करो तो करंट निगेटिव। करंट निगेटिव का मतलब है कि करंट का डायरेक्शन उल्टा होता है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि करंट जो है सिंक हो रहा है और एनपीएन के केस में करंट को हम सोर्स की तरह दे रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हो गए एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बीच में। कुछ ज़्यादा फंक्शनैलिटी में चेंज नहीं है, बस थोड़े से डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ इनके डायरेक्शन चेंज होने की वजह क्या है, मतलब क्यों डायरेक्शन चेंज होता है। कलेक्टर टू इमीटर इसमें होता है, इसमें इमीटर टू कलेक्टर करंट फ्लो करता है, ये रीज़न क्या है। मैं आपको इनके कंस्ट्रक्शन से बेसिकली आपको समझाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो मैं बात करता हूँ कि एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो कंस्ट्रक्शन है ना, एनपीएन के केस में क्या होता है कि जो एन साइड दो साइड एन टाइप के सेमीकंडक्टर, तो बीच में आपको पी टाइप का सेमीकंडक्टर सैंडविच किया जाता है, ठीक है। और ये आपको कलेक्टर इमीटर बेस दिख जाएगा वोल्टेज, और इसमें करंट की डायरेक्शन आपको दिख जाएगी। वहीं पीएनपी के केस में क्या होता है कि दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच किया जाता है, ठीक। अब मैं सिमुलेट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या किया है कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है, ठीक है, और मैंने बेस पे 0.7 वोल्टेज अप्लाई किया और 625 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो कर रहा, और कलेक्टर टू मीटर आप देख सकते हो 62 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और मैंने कलेक्टर वोल्टेज पॉजिटिव लगाया है और बेस वोल्टेज भी मैंने पॉजिटिव लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने दोनों पॉजिटिव लगा दिया, कलेक्टर पे भी बेस पे भी, और करंट तब मुझे 625 माइक्रो एम्पियर मिल रही है और करंट मैक्सिमम मुझे 62 मिली एम्पियर करंट मिल रहा है, जो कि 100 टाइम्स ग्रेटर देन है बेस करंट से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 0.7 से वोल्टेज जैसे कम करता हूँ मेरी करंट की देख सकते हो वैल्यू ड्रॉप हो रही है, 38 माइक्रो एम्पियर, यहाँ पे 806 माइक्रो एम्पियर। जैसे वोल्टेज आप कम करते हो 0.7 से, वो क्या होता है ना कि आपका जो करंट है ना वो सिंक करने लगता है, मतलब कम होने लगता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि वोल्टेज अगर बढ़ाता हूँ तो मुझे करंट की वैल्यू बढ़ने लगती है, ठीक है। ये होता है करंट कंट्रोल डिवाइस, जिससे जैसे आप करंट बढ़ाओगे बेस की, वैसे वैसे आपको कलेक्टर करंट की वैल्यू बढ़ते रहेगी, ठीक है। ये हो गई एनपीएन ट्रांजिस्टर की एनालिसिस। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ पीएनपी ट्रांजिस्टर। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, अब जैसे कलेक्टर वोल्टेज चेंज करोगे ना, अब देखोगे 35 मिली एम्पियर ही करंट रहेगा, क्यों एम्पियर चेंज ही नहीं होगा, 35 का 35 ही रहेगा। ऐसा क्यों होता है मैं अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसा इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक। 35 मिली एम्पियर, 350 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। ये 100 टाइम्स आप देख सकते हो कि ज़्यादा है। अब 35 मिली एम्पियर जो है ना, 350 माइक्रो एम्पियर का 100 टाइम्स ज़्यादा, जो कि ट्रांजिस्टर का गेन होता है। आपने सुना होगा कि जब आउटपुट करंट और बेस करंट को जब डिवाइड करते हो तो आपको करंट गेन मिलता है, ठीक है। हर एक ट्रांजिस्टर का एक करंट गेन होता है, रेंज के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है करंट गेन कितना होगा, ठीक। अब मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करता हूँ। पीएनपी ट्रांजिस्टर पे आप देख सकते हो कि मैंने 2 वोल्ट का अप्लाई किया है आपको इमीटर पे, और मैंने आपको बेस पे 1.3 वोल्ट दिया, और दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 0.7 वोल्टेज कम दिया है। मतलब मुझे इमीटर जो वोल्टेज है उसके रिस्पेक्ट में हमें बेस की वोल्टेज कम रखनी है, ताकि करंट देख सकते हो आपको आउटसाइड फ्लो कर रही है, बेस से आउटसाइड फ्लो कर रही है, और इसमें इमीटर टू कलेक्टर करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हमेशा जो है ना बेस पे निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं एज रिस्पेक्ट टू द मीटर वोल्टेज, ठीक, ताकि मेरा करंट फ्लो करने लगा और पीएनपी ट्रांजिस्टर की तरह काम करने लगे, ठीक है। अगर आप बेस पे वोल्टेज बढ़ाते हो, 1.5 कर दिया, 1.6 कर दिया, तो करंट की वैल्यू हमारी कम होती जाएगी, ठीक है। देख रहे हो आप, करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम 0.7 वोल्टेज का डिफरेंस आपको रखना है, ताकि आपका जो है ट्रांजिस्टर बकायदा काम करे स्विचिंग रीजन में, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा बेसिक डिफरेंस जो एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार, ताकि आपको कोई भी मैं वीडियो डालूं तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेल आइकन को हिट कर देना।